सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू क्लच रेसिंग। सो टुडे वी आर हियर एट जैश कोड़ा। स्कोड़ा के कार्स पे बेस्ट डील लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जैश कोड़ा को। लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आर इन डिस्क्रिप्शन। सो आज हमारे सामने स्कोड़ा कुशाक। कुशाक इज अवेलेबल इन 3 वेरियंट्स विच आर एक्टिव, एम्बिशन एंड स्टाइल। आज हम देखने वाले हैं स्कोड़ा कुशाक का एम्बिशन ऑटोमेटिक वेरियंट। एम्बिशन ऑटोमेटिक का डेली में एक्सोरूम प्राइस 14.19 लाख रुपीज एंड इट्स ओनर प्राइस इन डेली अप्रॉक्सिमेटली 16.31 लाख रुपीज। सो वो करना स्टार्ट करते हैं कीज से। फ्लिप कीज मिल जाएंगे आपको एम्बिशन वेरियंट में। कीज पे दिए गए लॉक, अनलॉक एंड बूट अनलॉक के बटन्स। एंड फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो स्कोड़ा ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज को कुशाक में भी इंटीग्रेट किया है। काफी एग्रेसिव एंड स्टाइलिश लुक मिलते हैं आपको कुशाक के। फ्रंट एंड में मिल जाएगी आपको स्कोड़ा की सिग्नेचर ग्रिल। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलती है ग्रिल एंड ऑल्सो क्रोम सराउंडेड दी गई है ग्रिल। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कोड़ा का लोगो एंड सेकंड ग्रिल हनीकॉम डिजाइन में दी गई है। ऑल्सो कुशाक में आपको सिल्वर कलर की स्ट्रिप प्लेट भी दी गई है। एंड अब हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स आर LED बेस्ड। दीज आर स्कोड़ा क्रिस्टलाइन LED बेस्ड हेडलैम्प्स। ऑल्सो हेडलाइट्स में आपको एल शेप्ड LED बेस्ड DRS भी दिए गए हैं। एंड हेडलाइट्स को मीन एंड एग्रेसिव लुक देने के लिए हेडलाइट्स में क्रोम एंड ब्लैक कलर का भी यूज किया गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्कोड़ा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एम्बिशन विंडो में फोग लैंप्स भी दिए गए हैं। फोग लैंप्स आपको स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक एयर कर्टन्स मिल जाएंगे। नाउ दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ स्कोड़ा कुशाक। साइड प्रोफाइल से भी आपको डैशिंग लुक्स मिलते हैं कुशाक के। एंड अब व्हील्स की बात करें तो व्हील्स में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। दीज आर सिल्वर कलर्ड मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स एंड एलॉय व्हील्स का साइज दिया गया 205/60R16। कुशाक में आपको प्लास्टिक के व्हील आर्चेस मिल जाएंगे एंड ऑल्सो प्लास्टिक की साइड क्लैडिंग भी दी गई है। एंड फेंडर पे आपको मिल जाएगा स्कोड़ा का इंस्क्रिप्शन विद पियानो ब्लैक एंड क्रोम फिनिश। टर्न इंडिकेटर ORDS पे दिए गए हैं एंड ORDS बॉडी कलर मिलते हैं। ऑल्सो डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर मिल जाएंगे। एंड अब रूफ की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिल्वर कलर रूफ रेल्स। ऑल्सो पियानो ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है बट एम्बिशन वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं दी गई। अब बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल से कुछ ऐसे लुक मिलेंगे आपको कुशाक के। स्कोड़ा ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज कुशाक में काफी अच्छे तरीके से रिटेन की है। बैक प्रोफाइल से भी आपको कुशाक काफी स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुकिंग मिलेगी। एंड अब टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स आर LED बेस्ड। दीज आर क्रिस्टलाइन LED टेल लैंप्स। यहाँ पे इंडिकेटर रिवर्स पार्किंग लाइट रिफ्लेक्टर बेस्ड दी गई है एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। एंड कुशाक में आपको 3 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ऑल्सो रियर बंपर के नीचे आपको स्किड प्लेट भी दी गई है। बूट डोर के ऊपर आपको स्कोड़ा की काफी बड़ी बैजिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पे कुशाक की बैजिंग दी गई है। रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको वाइपर एंड डिफोगर मिल जाएंगे एंड हाई स्टॉप लैंप स्पॉइलर पे दिया गया है। सो चलिए अब देख लेते हैं कुशाक की बूट। बूट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है। नाउ बूट स्पेस 385 लीटर्स। यहाँ पे बूट में आपको पर्सनल ट्रे दी गई है एंड ऑल्सो बूट में एक लगेज लैंप भी मिल जाएगा। एंड बूट के दोनों साइड्स आपको 2 हुक भी मिल जाएंगे। एंड अब स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको स्टील में दिया गया है। 15 इंचेस का मिलता है स्पेयर व्हील एंड ऑल्सो जैक एंड टूल किट भी यहीं पर प्लेस्ड है। बूट डोर इंसुलेटेड मिलता है एंड ऑल्सो बूट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हैंगिंग हैंडल भी दिया गया है। सो चलिए अब देख लेते हैं कुशाक का इंटीरियर। सो डुअल टोन इंटीरियर मिलता है आपको कुशाक में विद ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स। एंड अब डोर पे दिए गए कंट्रोल्स की बात करें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ORDS के कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलते हैं ORDS एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल भी दिए गए ORDS। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पावर विंडोज के कंट्रोल। ऑल पावर विंडोज दी गई आपको कुशाक में। एंड यहाँ पे चाइल्ड लॉक बटन दिया गया है। डोर के आर्मरेस्ट पे फैब्रिक का यूज किया गया है। एंड डोर पैनल्स के मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया। डोर हैंडल्स क्रोम में दिए गए हैं एंड यहाँ पे हनीकॉम डेकोरेशन दी गई है। ऑल्सो सिल्वर ग्रे फिनिश भी मिल जाएगा आपको डोर्स पे। ग्रैब हैंडल्स आपको प्लास्टिक में मिलते हैं। यहाँ पे बोटल होल्डर एंड पॉकेट्स, 1 लीटर की बोटल आराम से रख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। AC वेंट्स के अंदर आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश दी गई है। लुक्स एंड फील के मामले में AC वेंट्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट से जुड़े सभी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्कोड़ा की क्रिस्टल लाइटिंग तो मिलती है आपको कुशाक के एम्बिशन वेरिएंट में बट एम्बिशन में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिल जाएगा। ऑल्सो आपको कुशाक में डेड पेडल या फिर आप कह सकते हैं फुटरेस्ट भी मिल जाएगा। एंड अब बात करें स्टेयरिंग व्हील की। लेदर रैप्ड मिलता है आपको स्टेयरिंग व्हील। ऑल्सो कुशाक में भी आपको स्टेयरिंग व्हील 2 स्पोक दिया गया जस्ट लाइक ऑक्टेविया एंड द सुपर्ब। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको ग्लोस ब्लैक एंड क्रोम फिनिश दी गई है। एंड अब स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों टाइप एडजस्टेबल मिलता है स्टेयरिंग व्हील। इट्स एडजस्टेबल फॉर बोथ रीच एंड हाइट। लेफ्ट साइड मिल जाएंगे आपको इंफोटेनमेंट एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स एंड राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलते हैं। एंड अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो एनालॉग डिजाइन में दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में MID एंड राइट साइड स्पीडोमीटर दिया गया। MID शो करती है डोर इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप्स। MID को आप स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी रेंज, टाइम, टेम्परेचर, ड्राइविंग मोड एंड यहाँ पे ट्रेवल टाइम दिया गया, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड एंड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको व्हीकल स्टेटस में मिल जाएगी। बाकी जो MID में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे आप टेलीफोन कनेक्टिविटी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो मिल जाएगी, यहाँ पे ड्राइविंग डेटा एंड दिस इज व्हीकल स्टेटस।
यहाँ पे दिए गए बटन से आप टाइम सेट कर सकते हैं, ऑल्सो सर्विस इंटरवल भी सेट कर सकते हैं आप इसी बटन से, एंड इस बटन से ट्रिप सेट कर सकते हैं आप। लेफ्ट साइड मिल जाएंगे आपको क्रूज कंट्रोल, हाई बीम लो बीम एंड इंडिकेटर्स के कंट्रोल, ऑल्सो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए, एंड राइट साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। एंड अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो 10 इंच की टच स्क्रीन दी गई है। इंफोटेनमेंट सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, रेडियो, यूएसबी एंड ऑक्स, ऑल्सो स्कोडा प्ले एप्स एंड माई स्कोडा कनेक्ट भी मिलता है आपको इंफोटेनमेंट के साथ। क्विक एक्सेस में मिल जाएंगे आपको मेकअप फोन कॉल, फोन, रेडियो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन एंड्रॉइड ऑटो। यहाँ पे आपको व्हीकल स्टेटस मिल जाएगा एंड यहाँ पे स्कोडा प्ले एप्स मिल जाएंगी। लेफ्ट साइड आपको स्क्रीन का सभी कंट्रोल्स दिए गए, जैसे कि आपको यहाँ पे मीडिया प्लेबैक मिल जाएगा, यहाँ पे फोन कनेक्शंस दिए गए, पावर, स्कोडा प्ले एप्स एंड यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अब सेटिंग्स की बात करें तो क्विक सेटिंग्स में मिल जाएंगे आपको स्क्रीन ऑफ, ऑडियो कनेक्ट, प्रोफाइल, लाइट्स एंड वैले मोड। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स दी गई हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ब्लूटूथ, फोन, ऑडियो, डिस्प्ले एंड यहाँ पे आपको कार की एडवांस सेटिंग्स मिल जाएंगी, विच आर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, लाइट्स, टाइम एंड डेट, मिरर एंड वाइपर्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे मीडिया सेटिंग्स दी गई हैं, एप्स एंड नोटिफिकेशंस, ऑल्सो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑप्शन दिया गया, विच इज अ स्ट्रेंज थिंग। एसी वेंट्स के दौरान आपको ग्लोसी ब्लैक एंड ग्रोन फिनिश मिल जाएगी एंड ऑल्सो डैशबोर्ड के ऊपर आपको प्रीमियम डेकोरेशन दी गई है। हैजार्ड लैंप बटन यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगा। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको कुछ आग में। लेफ्ट साइड आपको टेम्परेचर के लिए कंट्रोल मिल जाएगा एंड राइट साइड फैन स्पीड के लिए कंट्रोल दिया गया है। हैप्टिक टच फीडबैक तो नहीं मिलता आपको कंट्रोल्स में, बट फैन स्पीड एंड टेम्परेचर के कंट्रोल्स थोड़े से एम्बेडेड हैं तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाली आपको एसी की वजह से। यहाँ पे आपको मोड्स का कंट्रोल दिया गया है एंड फ्रंट पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 USB टाइप सी पोर्ट्स दिए गए। यहाँ पे आपको फोन वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट मिल जाएगा। 6-speed ऑटोमेटिक के साथ मिलती है आपको कुशाक एंड ऑल्सो कुशाक में 6-speed मैनुअल का भी ऑप्शन है। एंड अगर आप टॉप वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको DSG गियरबॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया। गियर नॉब क्रोम एंड ग्लोस ब्लैक फिनिश मिलता है। यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर्स के लिए 12V सॉकेट मिल जाएगा एंड शिफ्टर के दौरान आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कॉइंस रखने के लिए डेडिकेटेड स्टोरेज दी गई है एंड मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। ऑल्सो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए 2 cup holders भी मिल जाएंगे एंड ऑल्सो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है। एडजस्टेबल मिलता है आर्मरेस्ट एंड यहाँ पे दी गई स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल स्पेस मिल जाता है आपको। मैनुअली डिमिंग IR रिंग दिया गया है एंड 2 reading lamps भी मिल जाएंगे फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। LED बेस्ड मिलते हैं रीडिंग लैम्प्स एंड ऑल्सो रूफ लाइनर में आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है एंड सन वाइजर इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को, ऑलमोस्ट 1/3 विंडो को छोड़ देता है सन वाइजर। एंड ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया बट टिकट होल्डर मिल जाएगा। एंड अब ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस दिया गया, ऑल्सो कूल मिलता है आपको ग्लव बॉक्स। डैशबोर्ड पे आपको प्रीमियम डेकोरेशन मिल जाएगी, ऑल्सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी छोड़ा का इंस्क्रिप्शन दिया गया। एंड डैशबोर्ड के मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा एंड यहाँ पे डैशबोर्ड पे स्टैचूज को प्लेस करने के लिए डेडिकेटेड स्पेस दिया गया। अब फ्रंट सीट्स की बात करें तो फ्रंट सीट्स के एडजस्टेबल हैं, ड्राइवर सीट 8-way एंड को ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल दी गई है एंड फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। सो चलिए अब देख लेते हैं सीट कंफर्ट। एंड अब रियर डोर की एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, प्लास्टिक डोर ग्रैब हैंडल, क्रोम डोर हैंडल्स, बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स, यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। एंड अब देख लेते हैं कुशाक का कैबिन स्पेस। काफ़ी अच्छा कैबिन स्पेस मिल जाता है आपको स्कोडा कुशाक में। ड्राइवर सीट में राइट के साथ एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 5'10" एंड ऑल्सो यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए फ्लोर थोड़ा टिल्टेड मिलता है जो कि रियर कंफर्ट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए 2 AC vents मिल जाएंगे, ऑल्सो 2 USB टाइप सी पोर्ट्स भी दिए गए हैं एंड सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं विद कोट हुक एंड ऑल्सो रियर पैसेंजर्स के लिए भी 2 reading lamps दिए गए विच आर ऑल्सो LED बेस्ड। रियर सीट्स के एडजस्टेबल हैं, ऑल्सो मिडल पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे एक एडजस्ट दिया गया एंड 60-40 स्प्लिट मिलती है आपको रियर सीट्स एंड रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा विद 2 cup holders। सो चलिए अब देख लेते हैं स्कोडा कुशाक का इंजन पे। सो द इंजन ऑफ फटिंग स्कोडा कुशाक इज 1-liter 3-cylinder टर्बो चार TSI पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 114 BHP एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 178 Nm। ऑल्सो टॉप विद स्टाइल में आपको 1.5 liter TSI इंजन भी ऑफर दिया गया। बोनट इज नॉट इंसुलेटेड एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो आपको मिल जाएंगे 2 airbags, ABS, EBD, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, एंटी स्लिप रेगुलेशन, मोटर स्लिप रेगुलेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ISO चाइल्ड सीट माउंट, हिल असिस्ट एंड अदर बेसिक फीचर्स। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं आप एंड चैनल पर नए तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।